सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका सॉल्व करने का एक मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का एक मेथड होता है लैग्रांजिस मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में उसी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लैग्रांजिस फॉर्म क्या होता है या लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लैग्रांजिस मेथड। हम लोग देखते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p इनटू स्मॉल p प्लस q इनटू स्मॉल q इक्वल टू r, वेयर कैपिटल p, कैपिटल q एंड कैपिटल r आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z, इज कॉल्ड लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। आप इस फॉर्म के इक्वेशन को देखिए। यहाँ पर इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होगा, कैपिटल p इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल q इंटू स्मॉल q इक्वल टू r, इस फॉर्म में अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर कैपिटल p, कैपिटल q, कैपिटल r क्या है? ये तीनों जो है वो x, y और z का फंक्शन है, x, y, z का। और स्मॉल p, स्मॉल q क्या है? तो स्मॉल p होता है डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और स्मॉल क्यू होता है डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होगा, देन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स जेड इज इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर कर देते हैं लोग। तो ये देखिए, ये इसी फॉर्म में कैपिटल p की जगह ये है कैपिटल p इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल q की जगह ये है कैपिटल q इंटू स्मॉल q इक्वल टू r। तो आप इससे कंपेयर कीजिए, तो कैपिटल p क्या हो गया? वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और कैपिटल q क्या हो गया? x इंटू जेड, और कैपिटल r क्या हो गया? वाई स्क्वायर। तो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर क्या होता है? एक्स वाई जेड का ये फंक्शन होगा, ये तीनों जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। और कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी, स्मॉल पी क्या है? डेल जेड बाय डेल एक्स, या स्मॉल क्यू क्या है? डेल जेड बाय डेल वाई। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है, ये इसी फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में आ रहा है। इस फॉर्म में अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। अब इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होगा, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है, उसको लैग्रांजिस मेथड कहते हैं। तो इस लैग्रांजिस मेथड के द्वारा हम लोग इस ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसके पहले भी मैं कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, या इसके कितने टाइप का सॉल्यूशन होते हैं, उसके बारे में मैं तीन वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लीनियर लैग्रांजिस मेथड से। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, लैग्रांजिस फॉर्म में है, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है, तो उसको कहते हैं लैग्रांजिस मेथड। बाय लैग्रांजिस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या स्टेप है वर्किंग रूल में? सबसे पहला स्टेप है
put the given first order partial differential equation in Lagrange's linear equation. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहे उसको लैग्रांज लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर लेंगे। इस फॉर्म में सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और कैपिटल पी क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल आर क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर वन, इसका लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। किसको कहते हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन? ये जो इक्वेशन यहां लिख रहे हैं dx / p = dy / q = dz / r, इसी को हम लोग कहते हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगा उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, यहां से कैपिटल p, कैपिटल q, कैपिटल r पुट कर आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। ये लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। तो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने का यहाँ पर फोर मेथड है। आज मैं इस वीडियो में टू मेथड को डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर रेस्ट टू मेथड को डिस्कस करूंगा। तो इसको सॉल्व करने का फोर मेथड होता है, मैं एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल देखिए आगे वर्किंग रूल क्या है। तो यहां से दो सॉल्यूशन निकालेंगे, फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। एक u इक्वल टू c1, u जो है वो x y z का फंक्शन होगा, और एक दूसरा निकालेंगे v इक्वल टू c2, v भी x y z का फंक्शन होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू c1 आ जाएगा और v इक्वल टू c2 आ जाएगा। कैसे आएगा अभी मैं एक सवाल बताऊंगा, वहां से पता चल जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे और जब दो सॉल्यूशन u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2 आ जाएगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं अभी बात कर रहा था कि वीडियो में मैं पहले वाला प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता चुका हूँ। जनरल सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज देन रिटन इन द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। तो तीन फॉर्म में इसका, तीन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म लिखेंगे। जैसे u इक्वल टू c1 एक सॉल्यूशन निकल दिया है, v इक्वल टू c2 निकल चुका है एक सॉल्यूशन इसका लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का। अब उसके बाद वन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? वन का जनरल सॉल्यूशन होगा फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर फाई जो है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यू इक्वल टू फाई वी, या लिख सकते हैं वी इक्वल टू फाई ऑफ यू। ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जहां पर फाई क्या है, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले लैग्रांज फॉर्म में लिख लेंगे, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन में। फिर पी क्यू आर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे। अब इसमें पुट करने के बाद यहाँ पर कई एक तरीके से सॉल्यूशन होता है, फोर मेथड है सॉल्व करने का। तो जिसमें ये सूट करेगा, जिसमें ये आएगा, उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक u इक्वल टू c1 और एक v इक्वल टू c2, ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, या तो ये लिख देंगे phi of u कॉमा v इक्वल टू जीरो, या ये लिख देंगे u इक्वल टू phi of v, या ये लिख देंगे v इक्वल टू phi of v। ये तीनों में से कोई भी एक लिख देंगे, वही इस लीनियर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं। मैं अभी बता चुका हूं कि इसको चार तरीके से, चार मेथड है सॉल्व करने का। तो उसमें से फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं कि टाइप वन क्या है। The equality of two fractions of Lagrange's auxiliary equations, ये जो Lagrange's auxiliary equation है, इसमें कोई भी दो fraction को हम लोग equal कर देंगे, दो fraction का grouping करेंगे। तो दो fraction को जब equal करेंगे
तो गिब्स एंड इक्वेशन इन द वेरिएबल्स व्हिच डिफरेंशियल आर इन्वॉल्व्ड। देखिए यहाँ पर p और q जो है x y z का फंक्शन है ये दोनों, लेकिन जब दो को इक्वल करेंगे तो अगर dx और dy है तो वहां पर सिर्फ x और y का फंक्शन होना चाहिए, z का फंक्शन नहीं होना चाहिए, z वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों को इक्वल करेंगे तो dx और dy डिफरेंशियल है, तो dx और dy डिफरेंशियल है तो सिर्फ x और y ही वेरिएबल होना चाहिए, z नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा इक्वेशन बन जाएगा वैसे वेरिएबल का जिसका सिर्फ डिफरेंशियल इन्वॉल्व है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से यहां से हम लोग दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। हम लोग यहां पर ग्रुपिंग करके सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का ग्रुप कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, या सेकेंड और थर्ड को कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड को करेंगे, और ऐसा करें ऐसा सेट हो जाएगा कि जो डिफरेंशियल है वही वेरिएबल जिसका जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल है वही वेरिएबल इसके साथ में इंक्लूड होगा, और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हम लोग दो सॉल्यूशन निकालेंगे इस मैथड से। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय x इनटू p प्लस एक्स जेड इनटू q इज इक्वल टू y स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखिए इसका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए इसको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ द इक्वेशन कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर वी गेट। अब देखिए यहां से कैपिटल पी का वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एक्स है, कैपिटल क्यू का वैल्यू जो है वो एक्स इंटू जेड है, स्मॉल पी का कोएफिशिएंट कैपिटल पी, और यहां पर स्मॉल पी का कोएफिशिएंट ये है, कैपिटल पी का वैल्यू निकल गया, स्मॉल क्यू का कोएफिशिएंट ये कैपिटल क्यू होता है, तो स्मॉल क्यू का कोएफिशिएंट एक्स जेड है, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू एक्स जेड, और राइट साइड जो होता है वो आर है, तो ये निकल गया कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर। अब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, नाउ द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय p इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय q इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय r। तो p का वैल्यू मैं लिख जा रहा हूं, p का वैल्यू आप यहां से देखिए, p मैं निकाल चुका हूं, y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय x, y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय x, dy डिवाइडेड बाय q, q का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं एक्स जेड है, और dz डिवाइडेड बाय r, r का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं y स्क्वायर है। अब ये लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगा, ये निकालिए। तो कुछ विशेष नहीं करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ उसको इसके साथ कंपेयर कर लेना है, फिर p q r निकाल देंगे और लैग्रांजेस इक्वेशन में लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब मेन काम यहां से स्टार्ट होता है। अब दो का ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड को अगर लेते हैं तो आप देखिए जेड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी एक्स है यहाँ डी वाई है, एक्स का डिफरेंशियल है वाई का डिफरेंशियल है, तो सिर्फ एक्स और वाई ही बच रहा है, जेड जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसको ग्रुपिंग करके हम लोग एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जेड नहीं आ रहा है, जेड कैंसिल हो जा रहा है। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, हम लोग यही दोनों फ्रैक्शन को लेते हैं, वी गेट dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय x इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय एक्स जेड, ये जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, x dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय x,
after cross multiplication we have x square dx equal to y square dy. अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल में भी आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में भी आ रहा है, इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रल x क्यू डिवाइडेड बाय 3, इसका इंटीग्रल y क्यू डिवाइडेड बाय 3, और एक कांस्टेंट हम लोग c1 डिवाइडेड बाय 3 ऐड कर रहे हैं, 3 से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको इधर ले आते हैं, x क्यू माइनस y क्यू इक्वल टू c1, तो यही u इक्वल टू c1 हो गया, एक सॉल्यूशन u इक्वल टू c1 निकल गया, और मैं अभी बताया हूं कि इसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एक सॉल्यूशन निकला है बिल्कुल सेम मैनर अप्लाई करते हैं, सेम मेथड से दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, अब कौन सा दो डिफरेंशियल को दो फ्रैक्शन को इक्वेट करने से सॉल्यूशन निकलेगा, आप देखिए फर्स्ट एंड थर्ड अगर लेते हैं तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंशियल कौन सा वेरिएबल का है, x का डिफरेंशियल है और z का डिफरेंशियल है, और यहां पर y स्क्वायर कट जा रहा है, बचेगा क्या x और z का ही, तो हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड को ले सकते हैं, अगर सेकेंड और थर्ड लेते हैं तो यहां से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये y का डिफरेंशियल है और ये z का डिफरेंशियल है, इसमें x भी इन्वॉल्व है, तो सेकेंड और थर्ड को नहीं लिया जा सकता है, वहां पर y और z के अलावा यहां पर x भी आ जा रहा है, तो वो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, मैं यहां लिख रहा हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, वी गेट, देखिए फर्स्ट मैं ले रहा हूं dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर z डिवाइडेड बाय x, और सेकेंड ले रहा हूं dz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x को ऊपर ले जाते हैं हम x dx, और z को उधर ले जाते हैं z dz, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ रहा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहां आ रहा है z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं c2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों में 2 था इसीलिए हम लोग c2 डिवाइडेड बाय 2 लिख रहे हैं, अब 2 से प्रत्येक मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2, तो एक सॉल्यूशन ये निकला, इसको नंबर 3 कर देते हैं और इसको नंबर 4 कर देते हैं, तो दो सॉल्यूशन निकल गए, एक को आप u इक्वल टू c1 कह सकते हैं, u इक्वल टू c1, और दूसरे को कह सकते हैं v इक्वल टू c2, तो याद कीजिए मैं मेथड में लिखा चुका हूं, वर्किंग रूल में लिखा चुका हूं कि अगर u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2 दो सॉल्यूशन निकल गया तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, f u v इक्वल टू 0, ऐसे तीन तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं आप, तो चलिए मैं यही यूज करता हूं, यहां पर लिखता हूं, तो फ्रॉम 3 and 4 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज एफ, या फाइव कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, फाइव ऑफ यू, यू के जगह ये है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3 and 4 से जो दो सॉल्यूशन निकला है उसी को यहां पर कॉमा देते हुए लिखना और उसके साथ में 5 फंक्शन लगा देना है, यानी ये दोनों का कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, जहां पर 5 कौन सा फंक्शन है, 5 इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, तो ये आर्बिट्ररी फंक्शन है, तो यही जो सॉल्यूशन आया यही जनरल सॉल्यूशन हो गया, किसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका, तो ये एक टाइप का सवाल होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो लिंगराजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसमें से कोई भी दो को इक्वेट करते हैं और ये देखते हैं कि जिस दो को इक्वेट कर रहे हैं उसमें अगर जैसे ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशियल है वाई का डिफरेंशियल है तो सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल इंक्लूड होना चाहिए और जेड जो है अगर है भी तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम लोग ये दोनों को लेकर के जेड अगर है तो उसको कैंसिल करके फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं वहां से एक सॉल्यूशन निकालते हैं फिर फर्स्ट एंड थर्ड को या सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करके वहां से एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं
तो जो दो सॉल्यूशन निकलता है u इक्वल टू सी वन और v इक्वल टू सी टू, वहां से फिर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से एक मेथड ये हुआ है फर्स्ट टाइप का, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लिंगराज लीनियर इक्वेशन को। अब एक देखते हैं दूसरे टाइप का इक्वेशन कि दूसरे टाइप में कैसा इक्वेशन होता है जिसको सॉल्व किया जा सकता है इस मेथड से, तो चलिए उसको देखते हैं। टाइप टू में है कि फर्स्ट सॉल्यूशन u इक्वल टू सी वन इज फाउंड बाय यूजिंग टाइप वन, जो भी मैं टाइप वन में बताया हूं उसी मेथड से एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे u इक्वल टू सी वन। अगेन अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशन इज फाउंड बाय यूजिंग फर्स्ट सॉल्यूशन, और जो फर्स्ट सॉल्यूशन निकाले हैं उसका यूज करके फिर सेकेंड सॉल्यूशन निकालें। तो करना क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट सॉल्यूशन तो उसी मेथड से निकालना है जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं टाइप वन में, और जो सेकेंड सॉल्यूशन निकालना है उसको निकालने के लिए जो टाइप वन में निकालेंगे, टाइप वन से एक सॉल्यूशन निकालेंगे उसका यूज करके फिर सेकेंड सॉल्यूशन निकाल लेंगे v इक्वल टू सी टू, और उसके बाद फिर u और v निकल जाएगा तो फिर जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्मॉल p प्लस टू इंटू स्मॉल q इक्वल टू फाइव जेड प्लस टेन ऑफ y माइनस टू एक्स, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है सॉल्यूशन इसके लिए देखिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ द इक्वेशन कैपिटल p इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल q इंटू स्मॉल q इक्वल टू आर वी गेट। आप देखिए कैपिटल p की जगह क्या है, कैपिटल p, स्मॉल p का जो कोएफिशिएंट होता है वही कैपिटल p, तो यहाँ स्मॉल p का कोएफिशिएंट 1 है यानी कैपिटल p की जगह 1, और कैपिटल q स्मॉल q का कोएफिशिएंट कैपिटल q, स्मॉल q का कोएफिशिएंट 2 है तो कैपिटल q की जगह 2, और कैपिटल r, r जो होता है राइट साइड में जो फंक्शन है 5 इंटू जेड प्लस टेन ऑफ वाई माइनस टू एक्स, तो ये हो गया कैपिटल p कैपिटल q कैपिटल r। नाउ द एक्सिलरी इक्वेशन या लिंगराजेस एक्सिलरी इक्वेशन, लिंगराजेस शॉर्ट में एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज क्या होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय पी इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय क्यू इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय आर। तो पी क्यू आर का हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू लिखे हुए हैं वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं डी एक्स डिवाइडेड बाई पी, पी का वैल्यू 1 निकला हुआ है, डी वाई डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू का वैल्यू 2 निकला हुआ है, और डी जेड डिवाइडेड बाई आर, आर का वैल्यू जेड प्लस टेन ऑफ 2y माइनस एक्स, जेड ऑफ सॉरी y माइनस टू एक्स, वाई माइनस टू एक्स। मैं पी क्यू आर का वैल्यू पुट करती हूँ, पी का वैल्यू देखिए 1, फिर क्यू का वैल्यू 2 और जे आर का वैल्यू 5z प्लस 10y माइनस 2x, ये मैं पुट कर दिया हूं। अब ये नंबर दे देता हूं इसको 2, यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक सॉल्यूशन तो किसी भी दो फ्रैक्शन को इक्वेट करके देखिए कि वहां से एक सॉल्यूशन निकल जाता है कि नहीं निकलता है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड को ही अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो ये एक्स का डिफरेंशियल है और ये वाई का डिफरेंशियल है, और यहाँ पर जेड नहीं आ रहा है तो इससे एक सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम लोग इक्वेट करते हैं फर्स्ट टू को, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस वी गेट क्या होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय 2, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रल x, यहाँ पर y और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1, y इधर ले आते हैं तो 2x माइनस y इक्वल टू c1 एक सॉल्यूशन निकल गया, इसको नंबर हम लोग 3 कर देते हैं। अब इसी सॉल्यूशन का यूज करते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस मेथड से क्या, तो यहाँ पर x का डिफरेंशियल है यहाँ z का डिफरेंशियल है, इसमें x y z तीनों है,
सेकेंड और थर्ड को भी अगर इक्वेट करते हैं वहां से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि y का डिफरेंशियल है और z का डिफरेंशियल है, इसमें देखिए x y z तीनों है, तो सिर्फ y और z का ही होना चाहिए वेरिएबल, वही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीनों है तो इसीलिए उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2x माइनस y की जगह हम लोग c बैठा सकते हैं यहाँ, तो इसको ऐसा कीजिए 2x माइनस y जो है उसको ऐसा कीजिए y माइनस 2x लिया है, तो यहीं पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी को हम लोग माइनस c1 ऐड कर देते हैं। अब c1 इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू c1, इसको नंबर थर्ड कर देते हैं, y माइनस 2x की जगह हम लोग कॉन्स्टेंट c1 पुट कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं आप, किसी को ले लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस ऑफ टू, वी गेट क्या आया है, डी एक्स डिवाइडेड बाय वन और डी जेड डिवाइडेड बाय फाइव जेड प्लस टेन, और वो वाई माइनस टू एक्स के जगह हम लोग यहां सी वन पुट कर देते हैं। ये कहां से हम लोग लिखे हैं, यूजिंग थ्री, थ्री का भी यूज किए। अब देखिए ये एक्स और जेड का डिफरेंशियल है, तो सिर्फ एक्स जेड, एक्स भी नहीं है, सिर्फ जेड ही यहां पर दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट है यहां पर नीचे में, तो अब ये इंटीग्रेट हो जाए, तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल तो एक्स ही आएगा, और यहां पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ फाइव जेड, ये कॉन्स्टेंट है, ध्यान दीजिएगा टेन सी वन कॉन्स्टेंट है, तो 5z प्लस 10c1 डिवाइडेड बाय 5, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग यहां पर c2 ऐड कर जाएं। अब क्या कीजिए, या c2 पर 5 ऐड कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रत्येक में, तो 5x इक्वल टू लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1 और प्लस c2, ये इधर ले आते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, That is, ये इधर ले आते हैं 5x माइनस log 5z प्लस 10c1 इक्वल टू c2, तो ये नंबर मैं 4 कर दे रहा हूं, तो एक सॉल्यूशन u इक्वल टू c1 निकल गया, दूसरा v इक्वल टू c2 निकल गया, इसको u मानिए इसको v मानिए, तो दो सॉल्यूशन निकल गया, और अगर दो सॉल्यूशन u इक्वल टू c1 इक्वल टू सी टू सोल्यूशन निकल जाए, दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, फाइव यू भी इक्वल टू जीरो, तो अब जनरल सोल्यूशन हम लोग यहां से लिख सकते हैं, तो फ्रॉम थ्री एंड फोर द जनरल सोल्यूशन ऑफ वन इज फाइव ऑफ यू, यू के जगह है वाई माइनस टू एक्स कॉमा भी के जगह ये पूरा है 5x माइनस लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1 इक्वल टू जीरो, तो फाइव ऑफ यू कॉमा v इज इक्वल टू जीरो, यही सॉल्यूशन हो गया जनरल सॉल्यूशन, वेयर फाइव इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, ये आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो ये दो मेथड मैं आज डिस्कस किया हूं इस वीडियो में, मैं रेस्ट जो टू मेथड्स और बच रहा है वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आपका आ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए पुनः फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू।